खबर अनूपपुर से, जहां पर शिक्षक घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूलों की हालत बदतर हो चली है। आलम यह है कि विद्यालय खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं पर सेलकला में आंगनबाड़ी भवन के बच्चे पेड़ की छांव के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आज़ादी के 76 साल बाद भी ये तस्वीर नहीं बदली है और मजबूरी इतनी कि पाठशाला की तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से ये बदहाल बदतर हो चुकी है। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि 76 साल बाद भी आज़ादी के बाद स्कूलों की तस्वीर नहीं बदली है। एक हज़ार 149 स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 1062 फुल केंद्र हैं और 87 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में भवनों का प्रावधान नहीं है। 1062 विद्यालय हैं, उनके सभी का जो है SMC के माध्यम से और कार्रवाई करते हुए नवीन भवन के लिए प्रस्ताव जो है BRC भेजा गया। BRC से जिला परियोजना समन्वयक के पास गया है, वहाँ से जो है विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। बहुत से यहाँ पाना ही नहीं है, पर्यवेक्षक भी ऊपर जानकारी दी तो बोलते हैं कि रिकॉर्ड में बना हुआ दिख रहा है, बोल रहे हैं। अब ये पता नहीं कि जिला वाले बोल रहे हैं कि कहाँ के बोल रहे हैं, भाई ये पता हमको नहीं है। पेड़ के नीचे अध्ययनरत होते हैं या भवन है तो उसमें जो बिजली की व्यवस्था है वो जर्जर है, कहीं ना कहीं बिजली बिल प्रॉपर तरीके से प्रबंधन नहीं हो रहा है, इसका मॉनिटरिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है, आंगनबाड़ी कमोबेश वही स्थिति है, कहीं कहीं तो सर रास्ते भी नहीं है, कीचड़ वाले रास्ते से आ रहे भी हैं। नहीं है, मेड़ से होकर के जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो प्रॉपर तरीके से भाजपा की सरकार अब देखना छोड़ दी है। उनको मूलभूत चीज़ों में जनता की मूलभूत सुविधाओं के तो बेहतर सुविधा लाने का और करने का प्रयास किया गया है। अपवाद स्वरूप कहीं पे विद्यालय भवन जर्जर हो गए हैं, पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो उनको भी नवीन बिल्डिंग है। सैकड़ों ऐसे स्कूलों के गांव हैं, अनूपपुर एक ट्राइबल बहुल जिला है। अभी करंट में ही कानो टोला और माझे टोला, इन दोनों जगहों पे शिक्षक अपने घरों पे स्कूल संचालित कर रहे हैं। और यही नहीं, परसेल में भी एक आंगनबाड़ी है जहाँ पे पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है मजबूरन। रास्ता बहुत खावड़ है, जब बारिश होती है तो छाता एक तरफ पकड़ना पड़ता है, एक तरफ बैग, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है आने में।